हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, मसाला पापड़ की रेसिपी। ये आपने रेस्टोरेंट में जरूर खाया होगा, खाने में बहुत टेस्टी होता है, बनाना उतना ही आसान होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 बड़े साइज का चावल का तेल में तला हुआ पापड़ ले लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर है, देखिए कितना बारीक कट किया, इसी तरह बारीक कट कीजिए। टमाटर को भी इसी तरह से बारीक कट कर लीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ काकड़ी, आप खीरा भी ले सकते हैं, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक। तो अब हम इन सभी चीजों को एक एक करके पापड़ पर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ 2 ही पापड़ पे आपको करके दिखाऊंगी, आप जितना क्वांटिटी में लेना चाहें उतने पापड़ पर इसी तरीके से मसाला पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है प्याज, तो प्याज को इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा ही स्प्रिंकल करेंगे। देखिए मैंने दोनों पापड़ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डाल लिया है, ध्यान रहे क्वांटिटी ज्यादा नहीं होने पाए, थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे। यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा काकड़ी, आप इसमें से चाहें तो काकड़ी स्किप भी कर सकते हैं, और कुछ आप ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल दिया है मैंने टमाटर, अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं न्यू रेसिपीज की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, आप चाहें तो इसमें बारीक कट किया हुआ कच्चा आम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चटपटा मसालेदार क्रिस्पी सा मसाला पापड़ बनकर तैयार हो चुका है, अब आप इसे फटाफट सर्व कर दीजिए। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, और आपका जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा, और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।